शशि जी, राशि फल की शुरुआत करें उससे पहले आप बताइए रत्न और उससे जुड़े अनमोल रिश्ते के बारे में। रत्न और रिश्ते में आज हम लोग ले रहे हैं मूंगे को। दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मूंगे की। मूंगे को किस प्रकार एक्टिवेट करें जिससे इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके, इसके विषय में हम आज आपको बताएंगे मूंगे का संबंध किस रिश्ते से है, कौन सा रिश्ता मूंगे को कनेक्ट करता है। अगर उस रिश्ते को प्रसन्न रखें तो हमें मूंगे को पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। रिश्तों की शुभकामनाएं हमारे जीवन में मांगल्य ला देती हैं। मूंगा का किससे रिश्ता है ये जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मूंगे के विषय में। मूंगा का सीधा संबंध परिवार में भाई से है, विशेष रूप से छोटे भाई से। वहीं ज्योतिष के कुछ अन्य शाखाओं में कन्या के लिए उसका पति भी मंगल होता है, यानी मूंगे से होता है, इसीलिए मांगलिक योग भी कहा जाता है। यहां हम लोग रिश्ते पे बात कर रहे हैं। यहां मूंगे से संबंधित जो जीव है वो है भाई। यदि मूंगे को आपको एक्टिवेट रखना है तो छोटे भाइयों को खूब स्नेह दीजिए, उनको समय समय पर प्रोत्साहित करिए, उनकी समस्याओं को दूर करिए। एक बहुत विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि यदि भाई के साथ जमीन जायदाद का कोई विवाद है, बिल्कुल नहीं करिए। अगर भाई के साथ जमीन जायदाद का विवाद है तो मूंगा अपना पूरा फल नहीं देगा, तो देने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए जिन दर्शकों ने मूंगा धारण कर रखा है उन्हें अपने भाइयों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जमीन को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। भाइयों के प्रति हर तरह से ईमानदारी बरतें, इससे मूंगा सदैव आपको पूरा फल देगा। ये मूंगे का कनेक्शन भाई के अलावा किससे किससे है इस पे हमारा चर्चा करें। दर्शकों, यदि आपका कोई भाई नहीं है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी ऑफिस में जो भी सहयोगी हैं, अगर उम्र में छोटे हैं तो वो छोटे भाई के समान है, उनका पूरा सहयोग, उनको पूरा प्रोत्साहित करिए। साथ ही उनके प्रति कोई भी अनैतिक व्यवहार कतई नहीं करिए, उनका शोषण नहीं करिए। अनावश्यक रूप से अधीनस्थों को डराना भी नहीं चाहिए और ना ही उनका शोषण करना चाहिए। हम लोग सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा भाई शब्द का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए जो भी हमारे भाई व भाई समान लोग हैं उनको प्रसन्न रखिए, भाईचारा बढ़ाइए। ऐसा व्यवहार हमारे मंगल ग्रह को मजबूत करता है और मूंगे का पूर्ण फल लेने के लिए मंगल की शक्ति मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मंगलवार के दिन भूमि संबंधित कोई भी कार्य ना करें, यानी कोई खरीद फरोख ना करें। साथ ही एक बहुत पुरानी परंपरा है कि मंगलवार के दिन भूमि पर प्रहार नहीं करते हैं। प्रहार का अर्थ है कि कोई खोदना नहीं है, नींव नहीं खोदनी है, वृक्षारोपण के लिए नहीं खोदना है। यानी अगर आपको आज वृक्षारोपण करना है तो आप एक दिन पहले ही गड्ढा खुदवा लीजिए। इसलिए जमीन के प्रति बहुत भाव रखना होगा और भाईचारा बढ़ाना होगा। तो जिनके भाई नहीं है उनको क्या उपाय करने हैं ये भी पंडित जी ने बता दिया है, जिससे मूंगा का आप फल प्राप्त कर सकते हैं।